ये सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे यहाँ पे, ये हाल आप देख लें बैक पे सारा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका? ठीक ठाक हैं, खैरियत है? एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड ब्लॉग है। आज मैं आपको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की करंट सिचुएशन जो इस टाइम पे चल रही है उसके बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग हमारे मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, दुबई जाना चाह रहे हैं, यूएई, शारजा, लैंड, डिफरेंट मुल्क में सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं। और बहुत सारे हमारे मजदूर तबका, लेबर तबका ऐसा है कि जो बेचारे बहुत अरसे के स्टक हुए हैं पाकिस्तान में, और वो लोग मूव करना चाह रहे हैं यहाँ से बाहर अपनी जॉब्स पे, अपने वर्क पे, सारे के सारे लोग। तो आज मैं आपको करंट सिचुएशन बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नहीं पता, काइंडली मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक भी जा सके जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टाइम पे विजिटर्स अलाउ नहीं है। अगर आपके पास विजिट वीज़ा है तो आप नहीं जा सकते, पहली चीज़। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपके पास अकामा होल्डर है, आप अकामा वीज़ा आपका, तो आपके लिए ये सजेशन है मेरी तरफ से कि आपके पास, आप जिस जगह जा रहे हैं, पहले मैं क्लियर करता चाहूँ कि इस टाइम तक सऊदीया फ़्लाइट्स नहीं जा रही, ठीक है? जो सऊदी फ़्लाइट्स हैं उनके अभी फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ, सऊदी अरब आप नहीं जा सकते। तो अभी तक जो स्टार्ट हुई है चीज़ वो है दुबई, यूएई के शारजा जा रही हैं फ्लाइट्स, अलैन जा रही हैं, आबू धाबी जा रही हैं, आप इस्तांबुल जा सकते हैं, दोहा जा सकते हैं, और आई थिंक कुछ मैंने दुबई का या नहीं था दुबई भी। तो इसके लिए आपको अगर दुबई जाते हैं तो रैपिड पीसीआर टेस्ट भी चाहिए, पीसीआर टेस्ट जो 48 आवर्स पहले फ़्लाइट का होता है वो भी चाहिए, और आपको इसके साथ साथ आपका कोरोना टेस्ट, वैक्सीनेशन रिपोर्ट जो आपके पास वैक्सीनेशन आदरा ने दी हो वो भी चाहिए आपको। ये सारी कुल मिला के चीज़ें अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीटली गिनवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है आपके पास दुबई के लिए आईसी अप्रूवल, एंड शारजा के लिए आईसी अप्रूवल है, और दुबई के लिए आरडीएफए अप्रूवल होगा। ये जो लोग जाते हैं उनको आइडिया होगा इस चीज़ का। और अब डॉक्यूमेंट्स गिन लेते हैं कि जो आपको चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आपका टिकट, जो मेजर चीज़ है आपकी। सेकेंड थिंग आपको चाहिए जनाब आपका अप्रूवल। थर्ड चीज़ आपको चाहिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। फोर्थ चीज़ आपको चाहिए कोविड पीसीआर टेस्ट जो फ्लाइट से 48 घंटे पहले होगा। एंड फिफ्थ चीज़ आपको चाहिए जनाब रैपिड पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट, डिपेंड ऑन आप किस कंट्री में या किस जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जो टेस्ट होगा रैपिड पीसीआर और रैपिड एंटीजन, वो आपका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही होगा, और वो जो कंडक्ट करेगी वो आपकी एयरलाइन होगी। तो ये सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे यहाँ पे, ठीक है? अभी आप रश देख लें कितना ज़्यादा है, एक फ़्लाइट पे ये इतना लोड है, अभी एक और फ़्लाइट है उस पर भी होगा। ये जो करंट सिचुएशन चल रही है यहाँ पे कोरोना टेस्ट की, और ये विजिटर गैलरी में परफॉर्म हो रही है टेस्ट, ठीक है? तो ये जो बंदा भी आएगा वो अपना टाइम निकाल के फ़्लाइट से 6-7 घंटे पहले तो वो आए और अपना कोरोना टेस्ट यहाँ से करवाएगा, ठीक है? और ये इस टाइम की सिचुएशन आपने देख ली है, ठीक है? और ये बैक पे सारे की सारी आवाम जो है वो वही है कोरोना टेस्ट करवाने वाली, ठीक है? तो आप लोग जब भी आएंगे फ़र्स्ट ऑफ ऑल एहतियात से आएँ, क्योंकि जरासीम कहीं पे भी हो सकते हैं, ठीक है? और टेस्ट करवाने के लिए फ़्लाइट से 7-6 घंटे पहले आपने आना है मस्ट, नहीं तो ये हाल आप देख लें बैक पर सारा, तो ये हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बनती है इस टेस्ट में फिर, ठीक है? तो ये थी आज की वीडियो, और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने का मकसद ही यही होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें इससे, ठीक है? तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।